चला कि प्लेन ही है, पर कौन सा है और क्या है वो भी बताते हैं। चलिए थोड़ा सा दूर पे है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा नजर आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं कंट्री बहुत बड़ा है। इसका नाम क्या है जाके आप जानते हो क्या? मुझे ऐसे मंदिर आना, इसी पे बैठ के ना अपनी जर्नी स्टार्ट करूं। सेंस है कि कुछ भी रखा हुआ तुम्हारे पास? क्या बातें कर रहा है कड़ा? ये देखो, ये ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं जो ऐसी सारी बातें कर लीजिए, ऐसे बता दीजिएगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। वैसे इसकी नाम क्या है जानना चाहेंगे? इसकी नाम है हंसा। मिस्टर कह रहे हैं मिस किरण, क्या बोलना चाहोगे? मैं मिस बोलूंगी, मैंने मिस्टर बोलूंगी। बड़ा है ये मुझसे शायद 5-7 गुना बड़ा है क्या? मैं तो बहुत छोटा बब्बू लगेगा इसके सामने। तो अगर बोले पंखा लाओ ना, वो नहीं होने के लिए। 10-12 तो फोटो निकाल लिए है, निकाले ना। अब कितने फोटो निकालेगा? 50 रुपए में 50 फोटो निकाल के जाएगा क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जाने वाली है एक स्पेशल प्लेस पर, काफी स्पेशल है। तो कौन सी प्लेस? वो प्लेस ऐसी ऐसी जाती है। ऐसे ऊपर जाएंगे हम? ऊपर नहीं जाएंगे हम, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ जाएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ कुछ जाएगा, जो भी है। चलो फिर देखते हैं कि इसकी कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पे मुझे लेके जाएगा और आपको भी लेकर जाएगा। तो चलते हैं और घर से निकलते हैं। चले। तो ये तो मेरा ट्रेंड है और मेरे फ्रेंड में तो चलता ही है ना, मतलब कि गाना बजा और मैं ना नाचूं तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो नाचना तो बनता ही है ना। तो चलो चलो जल्दी जल्दी चलते, मुझे भी ऐसे मन कर रहा है जाओ जाओ भाग भाग के कहीं पर। पर हमारे घर पे यू नो ना, कोई कोई लोग है ना बहुत आलसी है, और आलसी लोगों के साथ में कहीं पे जाना है तो टाइम पास होते रहेगा। ये सरासर झूठ है। नो, ये सरासर बिल्कुल ही झूठ नहीं है, ये सच है। तो लिफ्ट आ चुकी है, चलते है लिफ्ट के अंदर। मतलब कि गिरते गिरते बच गई ना मैं। बाय कालू। सो व्हाट, लेट मी गो, यू शुड नॉट टच मी। सो कालू तो मिलते रहता है और आप भी कालू से, आपकी भी जान पहचान हो चुकी होगी ना कालू से अभी। हाय हाय, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यस। तो चलते हैं। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, तो गाड़ी को पार्क करके फिर हम अंदर जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे हेरिटेज सेंटर एरोस्पेस म्यूजियम। तो ये म्यूजियम है, अंदर एंटर कर दिया हमने। टिकट के चार्जेस क्या थे? 120 रुपीज पर पर्सन 50 रुपीज है। ओके, 20 रुपीज पर फोन, तो 140 50 रुपए एक इंसान के रहेंगे। एक इंसान तो 2 इंसान के 100 रुपए हो गए, और फोन है, मोबाइल फोन है, तो पर फोन के 20 रुपीज रहेंगे। और कैमरा है तो उसके अलग चार्जेस रहेंगे, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेकर आते हो। सेकंड थिंग, अगर बच्चे हैं तो बच्चे के 30 रुपीज रहेंगे। तो चलते हैं और अंदर जाते हैं और आपको बताते हैं। वैसे प्राइस तो बहुत रीजनेबल थी, राइट? बहुत रीजनेबल है, और प्लेस क्योंकि बहुत खूबसूरत है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा गार्डन वाला लुक दिया है, और बहुत ही खूबसूरत सा है ये इस तरीके से आपको एंट्रेंस में नजर आएगा। है कि नहीं ब्यूटीफुल सा? बहुत प्यारा सा है ना। तो यहाँ पर है ना हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे कि HL किन्नों ने स्टार्ट किया था, और ये किनकी प्रमिसेस है और किनकी वजह से स्टार्ट हुआ था, ये इनकी डिटेल दी गई है। तो इनका नाम है वालचंद हरिचंद्र सेठ। तो HL इज नथिंग बट ये ओल्ड एयरपोर्ट कहा जाता है, जैसे कि हमारा पहले जो एयरपोर्ट था यहीं पे था, और हमारी जो प्लेन्स बनती थी फाइटर जेट, यानी कि जो हमारी इंडिया की एयर एजेंसीज है वो यहीं से बिलोंग करती रह गए। बट आप देख सकते हो यहाँ पर है ना हर एक टाइप के जेट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, और छोटी छोटी पिक्चर्स लगाई गई है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यहाँ पे इन डिटेल दिया हुआ है।
आज हम आपको 3 टाइप्स की एयर बताएंगे. फर्स्ट होगी ट्रांसपोर्ट एयर, सेकंड रहेगी फाइटर एयर, और थर्ड रहेगी हमारी हेलीकॉप्टर्स, जो मुझे बहुत पसंद है. वन टाइम मैंने जर्नी कर दी थी किसी और की वजह से, पता नहीं फ्यूचर में कोई और लेकर जाए या नहीं जाए, है कोई तो मैंने एक बार बैठा है हेलीकॉप्टर में, तो फ्यूचर में जब बैठेंगे तब देखा. चाहते हो कि मेरी हेलीकॉप्टर की जो जर्नी थी मैं आपसे शेयर करूं तो कमेंट में बता दीजिएगा. नेक्स्ट मेरी जो वीडियोस है मैं आपको शेयर कर दूंगी, यानी कि मैं पोस्ट कर दूंगी उस वीडियोस को. पक्का? तो चलते हैं. हाँ मैं दिख रही हूँ, मैं दिख तूने हीट शील्ड दिख रहा है. हाँ हीट शील्ड भी दिख रही है. तो पीछे कुछ नजर आ रहा है? आ रहा है ना, एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी ना एकदम से. तो चलिए चलिए आइए और आगे से भी दिखाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है. वैसे पता है मुझे, आपको पता चला कि प्लेन ही है, पर कौन सा है और क्या है वो भी बताते हैं. चलिए थोड़ा सा दूर पे है और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नजर आ रहा है. तो आपको दिखाते हैं फ्रंट से भी, एक बहुत बड़ा है. उसका नाम क्या है एग्जैक्टली आप जानते हो क्या? मुझे तो ऐसे मन कर रहा है ना इसी पे बैठ के ना अपनी जर्नी स्टार्ट करूं, पर इसमें ना इंजन नहीं है. इंजन को शायद इन्होंने निकाल के रखा हुआ है. और ये ओल्ड वाली जो हमारी पहली वाली जो एयरक्राफ्ट थी, ये है वो है. और इसके सारे रियल बेस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. तो वन बाय वन आपको आज सभी दिखाएंगे हम. ये यूके मेड 1950 का प्लेन है जिसका नाम है डो. डो, डी ओ वी, डो. तो चलो फ्रेंड्स दिखाते हैं, मतलब पूरा दिखाते हैं कैसे दिखता है ये डो. तो ये है हमारा यूके मेड डो, और यहाँ पे ये इंडियन मेड डो भी है ब्लू कलर का, उसे इग्नोर कीजिएगा. तो कुछ कहना है आपको इसके बारे में? ये घर पे चाहिए. वो घर पे चाहिए क्या? घर के ऊपर लगाना है क्या? फैन लगाना है क्या? तुम कितने गरीब हो, मतलब प्लेन के फैन को घर पे जाके लगाओगे? सेंस है क्या कुछ भी रखा हुआ तुम्हारे पास? बहुत कड़क है. क्या बातें कर रहा है, कड़क. ये देखो, ये ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं जो ऐसी सारी बातें कर लेते हैं, और इन्हीं के वजह से ये बैरिकेड बनाया होता है, क्योंकि ये सारे लोग अंदर जाके चीजों को ऐसे हथियाते हैं. करो कि पंखा निकाल के घर लेकर जाओ. ओह माय गॉड, लुक दिस गाय. थॉट प्रोसेस डिफरेंट है क्या आपकी? पंखा निकाल के मतलब कितना प्यारा लग रहा था इसीलिए बोला. तो प्यारा है इसीलिए म्यूजियम में है, घर लेके जाने के लिए नहीं है आपके. कमेंट में बता रहा क्या था ये. मेरे पीछे जो है ना, एग्जैक्ट 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 ऐसे ऐसे ऐसे. तो वो वाली मूवी पता है अक्षय कुमार की, जिसमें ये वाली सेम वाली फ्लाई की थी उसने. तो वो मूवी का नाम मुझे गेस करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है. वैसे इसकी नाम क्या है जानना चाहेंगे? इसकी नाम है हंसा. हंसा, हंसा, ये है हंसा. तो आओ देखे करीब से हमारे हंसा को. तो ये है हंसा. ये है हंसा, और मैं बैठना चाहूंगी हंसा में. कैसे लग रहा? बस कोई आके मुझे भगाए ना, क्योंकि अंदर बैरिकेड के अंदर आना अलाउड नहीं होता है. बट हम इंडियन हैं, हरकतें करने में माहिर होते हैं. तो हरकतें नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम इंडियन. ये है हमारी हंसा, और हंसा पे एक हंस जा रहा है, लेकिन ये हंस है काला वाला. तो काले हंस को क्या कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जरा बता दीजिएगा. तो आप लोग देख सकते हो ये भी 2-सीटर प्लेन है, ठीक है. हिंदुस्तान ट्रेनर इसका नाम है. तो मिलिए मिस्टर या मिस कहेंगे पता नहीं मुझे, पर ये है किरण. तो ये वाला था ना सबकी सोच में ऐसे कि किरण बोले तो लड़की है या लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन भी हो सकता है. हाँ मिस्टर किरण या मिस किरण, क्या बोलना चाहोगे? मैं मिस बोलूंगी, मैंने मिस्टर बोलूंगी. तो पीछे हमारे ध्रुव है. ध्रुव मतलब क्या? कोई इंसान नहीं है, हेलीकॉप्टर है, यानी कि चॉपर है. तो आइएगा और ध्रुव से मिलिएगा. तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये, मुझसे शायद 5-6-7 गुना बड़ा है क्या? मैं तो बहुत छोटा बब्बू लगेगा इसके सामने. ये बाला है मिक. मिक ये तो मिक्का तुम रख देते, अच्छा लगता थोड़ा सुनने में भी. मिक मिक क्या है, कोई मीनिंग बनता है क्या मिक्का? मिक्का कैसे लगता है ना, अच्छे से नाव नाव के जैसे लगता है.
वो पंखा पंखा नहीं लाके देख हिलता है क्या? नहीं मैं इसको लटकू तो भी नीचे ना। ओह माय गॉड। अब तूने 10-12 तो फोटो निकाल लिए है, निकाले ना, अब कितने फोटो निकालेगा 50 रुपए में? 50 फोटो निकाल कर जाएगा क्या? ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है ब्लू वाला काफी बड़ा है। ये है कैनबेरा, यहाँ है कैनबेरी। इसे क्या कहते हैं बाय द वे? ये है फाइटर जेट। तो पीछे है हमारे यहाँ पे फाइटर जेट, सोचो उसका नाम क्या है, क्योंकि उसी से मिली है हमें जीत। ये है मैं, हमारा अजीत। तो मिली है मिस्टर अजीत से। यहाँ पर है हमारे पास पायलट लेस एयरक्राफ्ट मिसाइल। हाँ। जो है ये लक्ष्य। मैं भी एक मिसाइल ही हूँ, मैं भी एक मिसाइल हूँ। तू मिसाइल नहीं, मिसाल है। क्या बात है, है ना? मिसाइल जो टारगेट बेस्ड मिसाइल है, जो ऑटोमेटिकली टारगेट कर लेता है। तो यहाँ पर है ना एक मजेदार वाला सीन है, ये एक से एक बैग टू बैग आप देखोगे 4 जेट एयर है। मजेदार लग रहा है ना? तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर इंजन जो है 2-सीटर एक्चुअली, और 2-सीटर इंजन है ये। 1999 का प्लेन है, सो ओल्ड मॉडल है, बट इतना भी नहीं, बट यस दिखने में काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला MiG-21 का इंजन है, ठीक है, और MiG-21 का जो फाइटर जेट है, जो ट्रेनर है, वो है यहाँ पर। ये है गोलियों के लिए और नीचे है मिसाइल्स के लिए। तो ये है MiG-21 फाइटर जेट ट्रेनर विथ 2-सीटर्स पायलट। सबसे लास्ट वाला मारुत फाइटर जेट जो है 1961 मेड 2-सीटर। लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैराशूट भी है, और जैसे पैराशूट है इजेक्शन सीट है उसके साथ में, और काफी तरह के यहाँ पे सिंगल इंजन फाइटर प्लेन्स है। ये मैं आप लोगों को कांच में से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्लेन इंजन का जो फैन होता है आगे का, वो रखा हुआ है। तो फिलहाल ये क्लोज है, बट हम लोग कांच के अंदर से ये देख रहे हैं। सो ऐसे सारे इंजन से जब से हमने बनाना चालू किया है। एक तो बारी कौन बारी कौन निकली बसी, तो मजा आया होगा ना बहुत ज्यादा। हाँ, और एक तो पैसा वसूल प्लेस है, तो बहुत ही शांतिदायक है। हाँ, जब हम जैसे लोग आ जाते हैं तो अशांति हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल चलते रहता है, क्योंकि हम नहीं आएंगे तो कैसे अशांति फैलेगी। जरूरी है ना अशांति फैलना। तो अभी आइएगा इस जगह पर, डिस्क्रिप्शन डिटेल में मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि लोकेशन कहाँ पर है, और बाकी डिटेल तो हमने दे ही दी है, तो आपको भी मजा आएगा जैसे हमें आता है यहाँ पर आके। तो जल्दी जल्दी जाइए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिलहाल हम निकलते हैं घर को। अभी चलिए साथ में घर पे, कि प्यास लगी, पानी चाहिए है। बाहर जाकर पीते हैं या नारियल पानी पीजिए? हाँ नारियल पानी पी लेते, चल अभी पी लो। मुझे कुछ खाना भी है। तुझे कब खाना नहीं होता? खाना ही होता तुझे हर दम। ऐसा कोई मोमेंट बता जहाँ पे तूने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया है कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? मैगडी। मैगडी, मैगडी में क्या खाना है? फिंगर चिकन स्ट्रिप खानी है। 100 बार तो चिकन स्ट्रिप खा ली, अभी तक नाम नहीं पता कि क्या खाना है। ऐसे जाहिरों को मैं क्यों लेके जाती हूँ कहीं पे, पता नहीं है। डालो पानी, नारियल पानी से हेल्थ के लिए सेहतमंद होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को अभी, मेरे पेट को ठंडक मिली और गले को भी। अरे खत्म हो गया है वो, देखने कोशिश करो थोड़ा बहुत निकल जाए तो पीने मिलेगा, कैसे भी है ना।
खत्म हो गया फाइनली, पेट पूजा हो चुका है, अब घर चलते हैं। क्या करना है कहीं पे मैगी वैगी जाके? तो सडनली है ना मैंने सोचा गाड़ी मैं चलाती हूँ, चले हम ड्राइव करते हैं, ये पीछे बैठेंगे देखते कैसा होता है। दे दो ये, ले लो वो हेलमेट दे दो। चलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। बाकी सब मैं यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, बाकी सब उतना कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा सा। तो अभी मैं फिलहाल खा रहा हूँ, मैं खा लेता हूँ, मैडम खाएंगी तो अच्छा है। मैं तो मेरे हिस्से का भी यही खा लेता हूँ, उसी का पार्सल 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 का देख करता कि मैं कब ना बोलूँ और ये खा लूँ मेरे हिस्से का। हाँ तो कब खा के हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं फिलहाल घर अभी रिटर्न, बस अभी वही बाकी है सीधे घर, कहीं नहीं रुकना है, नो स्टॉप नथिंग, सीधा घर। हम आ चुके हैं घर पर और होप आपको आज का हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यस लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन नोटिफिकेशन को नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर लीजिएगा, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय।